नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे सीतापुर में। बीजेपी प्रत्याशी नेहा अवस्थी के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के कामों को गिनवाते हुए प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील की। इसके साथ उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 सालों से काबिज सपा की साइकिल को पंचर करने का काम जनता करेगी। मौर्य ने कहा कि यह सीतापुर शहर बीजेपी नेता स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता का शहर है और यहां सुशासन को लेकर जनता इस बार मतदान करेगी और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़कर जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को चुनेगी। पालिका सीतापुर सहित हम उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगम, अधिकांश नगर पालिकाएं, अधिकांश नगर पंचायतें कमल के फूल को खिलता हुआ देख रहे हैं। इस समय यूपी में कमल के फूल की आंधी चल रही है। 2023 का यह नगर निकाय का चुनाव 2024 की शुरुआत है। भारी अंतर से सीतापुर सहित हम उत्तर प्रदेश में भी दर्ज करने जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्रावस्ती जिला मुख्यालय भिनगा स्थित जूनियर हाई स्कूल मैदान में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशी राकेश गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी, अपराधी और माफिया राज को खत्म करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में नगर निकाय के चुनाव में सबसे बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस का जनता सफाया करना था। जैसे लोकसभा और विधानसभा से ये लोग गायब हो गए हैं, वैसे ही यह नगर निकाय से भी गायब होंगे। जनता से मैंने अपील किया है कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास। सपा बसपा कांग्रेस का संकल्प कुछ का साथ और कुछ का विकास। औरैया जनपद के थाना क्षेत्र में संचालित अछलदा सीएचसी सरकारी अस्पताल में सोलर पैनल के रूम में आग लग गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। मामले पर जानकारी देते हुए ड्यूटी पर तैनात सीएचसी अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि अस्पताल में लगाए गए सोलर पैनल के 105 बैटरियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लग गई, जिसके चलते 105 बैटरियां जलकर राख हो गई। जो हमारा लगा हुआ है वो अभी स्टार्ट नहीं था। कल उसकी बैटरी आई हुई थी, वो चार्जिंग पर लगी हुई थी, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसमें बैटरियां क्षतिग्रस्त हो गई और उनमें आग लग गई थी। उसके हमारे अस्पताल सहयोगी के सूझबूझ से आग को बुझाया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो भी आई और उन्होंने भी आग पर काबू पा लिया। बांदा पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि बिसंडा थाना क्षेत्र के अथनेल गांव में आरोपी लंबे समय से अवैध असलाह बनाने का काम कर रहे थे और यही अवैध असलाह जनपद और आसपास के जिलों में बेचा करते थे। अवैध असलहे खरीदने वाले लोग इन्हीं असलहों से दहशत फैला रहे थे। पुलिस ने छापेमारी करते हुए मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 18 देशी अवैध तमंचे और 6 आधे बने तमंचे और 1 देसी बंदूक के साथ असलहे बनाने का सामान छापेमारी के दौरान बरामद किया गया है। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। थनैल में एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें लगभग 12 तमंचे
315 बोर के, 6 तमंचे 12 बोर के, एक 315 बोर की राइफल, एक 12 बोर की अधी, इसके अलावा 6 अर्धनिर्मित तमंचे, हथौड़ी, छेनी, ड्रिल मशीन, धौकनी, सारी इसमें जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं वो सब बरामद हुए हैं। और अब बड़ी खबर बरेली से। एमडी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। होटल रेडिसन के एमडी के खिलाफ पहुंचे कलेक्ट्रेट जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हिंदू जागरण मंच के साथ कलेक्ट्रेट ग्रामीण पहुंचे थे। नगर थाना क्षेत्र के मुड़िया अहमदनगर का यह पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और नामी होटल रेडिसन के एमडी के खिलाफ आरोप यहां लगाया गया है और हिंदू जागरण मंच के साथ जो ग्रामीण हैं वो यहां पहुंचे हैं, जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट ग्रामीण पहुंचे हैं। अब खबर बरेली से है, जहां होटल रेडिसन के एमडी के खिलाफ ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात कर एमडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि ग्रामीणों ने एमडी पर ग्राम पंचायत की जमीन और मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जिला अधिकारी के जमीन को कब्जा मुक्त करने का आश्वासन दिया है। बस्ती जनपद में निकाय के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बगावत पर उतरे बीजेपी के नगर अध्यक्ष और महामंत्री सहित सांसद हरीश द्विवेदी के प्रतिनिधि रहे आशीष शुक्ला पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। इसी सबके बीच बागी आशीष शुक्ला ने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर भूतपूर्व सैनिक को बुलवाकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कराया और कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह सैनिक है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने देश की सेवा करने वाले सैनिकों का सम्मान करते हुए उन्हें सम्मान दे सकें। इसी क्रम के रिटायर्ड कर्नल केसी मिश्रा सहित रिटायर्ड सैनिक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव और सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की निकाय चुनाव में एंट्री हुई और भूतपूर्व सैनिकों ने आकर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन यहां दिया है। आप सभी बंधुओं को, जो लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सबका अभिवादन है। हम भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से, और मेरा सबसे पहले प्रथम में अगर मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरी शुभकामनाएं नेहा जी को हैं, आशीष जी को हैं, और आप सबको उनसे ज़्यादा हैं। आप सब साथ नहीं होंगे तो इनका प्रयास ही निरर्थक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशिता मैंने दो बार, पिछली बार भी थी और तीसरी बार थी। निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहने के बाद भी मुझे अवसर नहीं दिया गया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं, और मेरे समर्थकों को लगा कि मुझे यह चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे समर्थकों के आह्वान पर और उनके आग्रह पर मैं इस चुनाव में मेरी पत्नी श्रीमती नेहा शुक्ला को मैंने मैदान में उतारा। आप सभी मीडिया बंधु, हमारे आदरणीय माननीय कर्नल केसी मिश्र जी, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी और सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, आप लोग का बहुत आभार है। और यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, और सभी कार्यकर्तागण को, और सभी जो हमारे पतिदेव को चाहने वाले हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। बरजे में शॉर्ट सर्किट में आग लग गई, जिसके कारण लाखों का नुकसान हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर खेती का आकलन किया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। कितने बजे सूचना मिली आपको? हमें सूचना मिली 2 बजे। लगभग किस चीज़ में आग लगाई गई है? ये पूरी पापा पान जल गए, वो पूरी कर्ची कुरवा जल गए, पूरा नेट जल गया है, पूरे चौतरफा का।
कितने का नुकसान हुआ है लगभग? कम से कम 1-1.5 लाख का। क्या क्या नुकसान हुआ है? अभी पान से जल गए, पूरी गुना जल गई, पूरे कोरवा जल गए। इनकी ये बरेजे होते पान बरेजे, हाँ, इनमें करीबन 1-1.5 बजे के लगभग किसी ने आग लगा दी। इनका काफ़ी नुकसान हुआ है और एक लोग गिरफ्तार भी हो चुका है। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? मतलब कम से कम 15-20 लाख का नुकसान है। हम यहाँ पाएंगे जो जिसने जैसा किया है उसको उसका दंड मिलेगा। और यहाँ पर जब हमारी बात हो गई DM से, SP से और हमारे SDM और तहसीलदार से और खाद्यान्न अधिकारी से, तो उसमें उनकी व्यवस्था की बात हो चुकी है। तो क्या किसी ने उसमें आग लगाई है? क्या किया है ये कुछ भी? जब जाँच होगी पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ जब वापसी हुई तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नगर पालिका नगर पंचायत का 3 जगह चल रहा है ललितपुर जिले में। आग लगा दी किसी ने रात को? रात में कितने बजे? मुझे नहीं मालूम था, मैं तो मिठाई बनाने गया था। आपके लिए कब सूचना मिली? मेरे लिए सूचना रात को 3 बजे मिली। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हुआ कम से कम 1.5 लाख रुपये का। क्या क्या नुकसान हुआ? क्या क्या रखा था बरेजे में? बरेजे में टुल्लू पंप भी था, बोले भी थी, सेक्शन भी था, पान भी थे और करवा करती भी थी, सब थे साहब। हाँ, और हम पान के क्षेत्र हैं और पान की खेती करते हैं, पान के इसी से हम अपना पेट बच्चे पालते हैं और इसी से हमारा पूरा धंधा चलता है। हैं, और रात के समय पर मान लो घर पर सो रहे थे और यहाँ पर जब देखा लोग आए, लोग वाग तो उनने देखा है कि आग लगी तो हम लोग घर से दौड़े हैं और दौड़ते मान लो एक आथर में नहीं, हमारे भी इस बरेजे में आग लगाई और जाके दूसरे बरेजे में भी लगाई, तीसरे बरेजे में भी लगाई और चौथे बरेजे में हम लोगों ने उसको लिए दबोचा, पकड़ा गया वो। मिर्जापुर जनपद के थाना विध्यांचल अंतर्गत बड़े बगीचे हाईवे के बगल में सुबह एक व्यक्ति का शव मिला। बता दें कि शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए नगर क्षेत्र अधिकारी परमानंद कुशवाहा ने बताया कि व्यक्ति 2 महीने से अपनी पत्नी के साथ यहां रहकर ठेला लगाता था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो मई 2023 को थाना विंध्याचल अंतर्गत फटेगरा नाला के पास में एक व्यक्ति जो कि नैनी का रहने वाला है, नाम संदीप गुप्ता है, यहाँ पे चाट छोले की दुकान लगाते थे, उनकी अपने घर पर मृत अवस्था में उनकी शरीर मिली थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुँचती है और जांच करती है तथा उनके पास से सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें प्रथम दृष्टया आत्महत्या कारित किया जाना उसमें प्रदर्शित है। हमारी फील्ड यूनिट की टीम भी आ रही है तथा आगे हम पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई जो भी होगी उसको। अब खबर रामपुर से है जहां आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। वहीं फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने मीडिया से बातचीत की और कहा, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी बहन मसरत मुजीम और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आई हूं। इसके साथ ही उन्होंने आजम खां पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खां अपनी जनसभाओं में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कोई सुधार नहीं सकता है। के प्रक्रिया में मैं रामपुर आई हूं और हमारे बहन डॉक्टर मसरत के लिए मैं वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता से, रामपुर के आवाम से मैं अपील करती हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दीजिएगा। आजम खान अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अपनी जनसभाओं में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजम बौखला गया है और आजम को कोई सुधार नहीं सकते हैं क्योंकि आजम हर बार हार रहा है। इसीलिए तो हार मानते हुए भी वो जीतने का वो उम्मीद करते हैं और कहाँ के कद्दावर नेता, 100% का नेता अब 0% में आ गया है। उनको चुनाव के चुनाव में वोट डालने के लिए भी उनको हक नहीं बचाया है। तो आजम साहब को मैं एक ही अपील करती हूँ या मैं बताती हूँ कि बस आप बस करो।
बरेली में एलायंस बिल्डर्स रमनदीप सिंह बग्गा की 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जिलाधिकारी के आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया। बता दें कि इससे पहले भी ग्रुप की 35 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया गया था। एलायंस बिल्डर्स के निदेशकों को भूमाफिया घोषित कर उनका गिरोह भी पंजीकृत किया गया। गिरोह के सदस्य अरेस्ट स्टे पर चल रहे हैं। प्रशासन ने इससे पहले एलायंस बिल्डर की मॉडल टाउन, रामलीला मैदान और हरि मंदिर के पास करोड़ों की संपत्ति जब्त की थी। इससे पहले ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी की गई। कैंट अंतर्गत 992/22 गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके प्रथम चरण में तकरीबन 35 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। उसी के क्रम में 90 करोड़ की संपत्ति जब्तीकरण का आदेश माननीय DM साहब के द्वारा किया गया है। और आज ये मॉडल टाउन स्थित रेजिडेंसी गार्डन, जिसकी बाजारों कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये है, आज ये इसकी कुर्की की जा रही है। और आने वाले दिनों में, एक दो दिनों में, बाकी जो 70 करोड़ की संपत्ति है उसकी कुर्की भी की जाएगी। 14 गिरोबंद एवं असामाजिक क्रियाकल्प अधिनियम के तहत आदेश पारित हुआ, जिसके द्वारा ये जमीन और ये संपत्ति जब्त की जा रही है। इसका प्रशासक उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को नामित किया गया है और उसी के क्रम में आज की कार्रवाई की जा रही है। बस्ती पुलिस ने शराब माफिया की 1,01,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रविवार की शाम हरिया पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी और माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसकी संपत्ति को जब्त करते हुए मकान को भी सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी राजू ने अवैध तरीके से संपत्ति हासिल कर गांव भावपुर में अपनी पत्नी के नाम से मकान बनवाया था। इस मकान समेत दूसरे सामान को पुलिस ने अब कुर्क कर लिया है। जनपद बस्ती में आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्त राजू गुप्ता की 1,06,00,000 की प्रॉपर्टी सीज की गई है। पुलिस एवं प्रशासन टीम द्वारा मौके पर जाकर एक प्लॉट, एक कार और एक मोटरसाइकिल सीज की गई है। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध 228/2021 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज कुर्की का आदेश पारित किया गया है, जिसको पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा सीज किया गया है। और अब बड़ी खबर औरैया से। बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगों की दबंगई सामने आई है। कोतवाली के पीछे कार में तोड़फोड़ की है। कार से जा रहे युवक को रोका और गाली गलौज करते हुए ईंट से कार के शीशे फोड़ दिए। प्रभावी आचार संहिता में दबंगों ने पुलिस को यह चुनौती दी है। कोतवाली के पीछे ही घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए खुले तौर पर पुलिस को चुनौती दी है। एक युवक की गाड़ी को तोड़ा गया है। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली के पीछे ही कार में तोड़फोड़ ये की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईंट से इस गाड़ी के शीशों को तोड़ा गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कोतवाली के ठीक पीछे ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस के पास तहरीर पहुंच गई है। अब देखना होगा कि कब तक दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बड़ी खबर बरेली से। मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, SSP ऑफिस के बाहर किया जमकर हंगामा। बेटी की लव मैरिज से नाराज थी मां, माता पिता पर शिकायत करने कोतवाली पहुंची थी बेटी। SSP ऑफिस के बाहर दोनों की हुई हाथापाई। महिला थाना पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, SSP ऑफिस के बाहर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा यहां हुआ, जमकर हंगामा ऑफिस के बाहर किया गया। बेटी के लव मैरिज से मां नाराज थे और माता पिता पर शिकायत करने के लिए ही बेटी यहां पहुंची थी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। हालांकि महिला पुलिसकर्मियों ने
इन दोनों को समझाया और बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसएसपी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि बेटी की लव मैरिज से मां और पिता दोनों ही नाराज थे, जिसके बाद ये जमकर हंगामा यहां हुआ। बेटी मरता हो गई थी इनकी हद से ज्यादा, वो बेटी आके उनकी बेटी ने आके तब जाके मुझसे शादी करी है, और ये लोग कह रहे हैं कि लड़की को भगा के ले आया। तुम क्या? हाँ, कप्तान साहब के पास आए थे हम लोग। अगर हम लोगों ने भाग के शादी की होती तो हम लोग लड़की की जिंदगी खराब करके रख दी इसके माँ बाप ने, इसके भाई ने। कौशाम्बी जेल में तैनाती के दौरान फटे पुराने कंबलों से काउ कोट बनवाकर मन की बात कार्यक्रम में स्थान पाने वाले जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को सम्मानित करने के लिए लखनऊ में आमंत्रित किया गया था। गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने काउ कोट तैयार कराया था। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जेल अधीक्षक को आमंत्रित किया गया था। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के प्रसारण के दौरान राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जेल अधीक्षक को स्मृति चिन्ह और प्रधानमंत्री की पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड की स्क्रीनिंग के लिए और उससे पहले जो 99 एपिसोड हुए थे उनमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिन गणमान्य व्यक्तियों का नाम लिया गया था उन सभी का एक सम्मेलन नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। मुझे भी उसमें सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि मेरा कार्यों का वर्णन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 72वें एपिसोड में दिनांक 27/12/20 को किया गया था, जब मेरी तैनाती जिला कारागार कौशाम्बी पे थी। उस समय मैंने कौशाम्बी में बेसहारा निराश्रित गौवंश को सर्दी और बरसात से बचाने के लिए जेल में फटे पुराने कंबलों से काउ कोट का निर्माण करवाया था, जिसको मैंने सरकारी गौशाला में दान किया था। इसी बात का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने 72वें एपिसोड में दिनांक 27/12/20 को किया गया। और अब बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर रोड पर भीषण हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने एक कार को जोरदार टक्कर मारी है। जिला अस्पताल के बड़े बाबू हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। शैलेंद्र सक्सेना को गंभीर चोट आई है। आनंद फानंद में निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसा यहां रामपुर रोड पर हुआ है। बरेली से खबर, जहां एक अज्ञात वाहन ने एक कार को जोरदार टक्कर मारी। जिला अस्पताल के बड़े बाबू इस समय गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर बरेली से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। रामपुर रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। जिला अस्पताल के बड़े बाबू हैं, उन्हें गंभीर चोटें इसमें आई हैं इस दौरान, और उन्हें इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमीरपुर के पुलिस लाइन में पुलिस ब्रीफिंग की गई। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चुनावी ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने जरूरी निर्देश दिए। साथ ही फर्स्ट एंड पॉक्स और दूसरा जरूरी सामान दिया गया। सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निष्ठा से काम करने और जनता से अच्छा व्यवहार बनाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद उन्हें बसों से रवाना कर दिया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन हमीरपुर, प्रभारी चुनाव सेल और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
में अभी चुनाव जो हो रहा है हमारे यहाँ से प्रयागराज और फतेहपुर अभी पहुँच जा रहा है, इसको हम रवाना कर रहे हैं। 6 गाड़ियों में प्रयागराज जा रहा है और 2 गाड़ियाँ हमारी फतेहपुर जा रही है। टोटल करीबन हमारा 300 वोट। क्या व्हीप किया गया है ग्राउंड में इनको, चुनाव संबंधित किस तरीके से इनको वहाँ पर अपना कंडक्ट रखना है और नॉर्मल डिसिप्लिन जो हमारे फोर्स का रहता है उसको मेंटेन करते हुए और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कराते हुए निष्पक्ष। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस ने चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से 25 मोबाइल, 1 अवैध तमंचा और 1 कारतूस भी बरामद किया गया है। नेपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्तों ने हाल ही में एक लूट और चोरी की घटनाओं को भी स्वीकार किया है। आज रात्रि में SHO सदर साहब को जरिए मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति खड़े हैं, संदिग्ध हो सकते हैं, जो घटना करने के खिलाफ में है। इस सूचना पर तत्काल सर्वांश टीम और SHO सदर साहब अपने में फोर्स के रवाना हुए और जो संदिग्ध लोग थे उनको रिटर्न किया गया। जब उनसे जानकारी की गई तो उनके नाम अमन, गौरव, आयुष, अभी आदि 8 व्यक्ति को जिन किया। इनके घर से कुछ जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अभी हाल में की गई 2 लूट की घटनाएं और 1 चोरी घटना को स्वीकार किया और उन घटना में जो समझ गया था वो बरामद किया। इनके पास से कुल 25 मोबाइल बरामद हुए हैं जो कई घटनाओं में लूट में शामिल हैं और भी घटनाओं को चरण किया जा रहा है। इनके बारे में जानकारी की जा रही है और इनके पास से 1 तमंचा 12 बोर भी बरामद किया गया है। इनके आपराधिक इतिहास जानकारी हम कर रहे हैं अभी और भी घटनाएं अभी इनकी होंगी इसकी हम अभी जानकारी। मथुरा में नगर निकाय चुनाव के चलते जिला प्रशासन ने शहर में कानून व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। शांति व्यवस्था का जायजा लेने के लिए SSP शैलेश कुमार पांडे खुद सड़कों पर उतरे। SSP ने अधिकारियों को नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। SSP शैलेश कुमार पांडे ने जनता को भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि मथुरा में 4 मई को नगर निकाय चुनाव होना है। देखिए, हम सभी अवगत हैं 4 तारीख को जनपद मथुरा में नगर निकाय के चुनाव होने हैं जिसमें 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत। 2 उद्देश्य से इस तरह के रूट मार्च, फ्लैग मार्च किए जाते हैं। नंबर 1, लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत कि वो बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से मतदान करें बिना किसी के प्रभाव में आए, और पुलिस इस बात के लिए कटिबद्ध है कि उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें वो बिल्कुल निर्भीकता से और स्वतंत्रता से मतदान कर सकें। 2, जो चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले लोग होते हैं। चित्रकूट में हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटों में ही खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बीती रात युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर करवी के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को जल्दी मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी मृतक का ही सगा भाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। 30 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम लोरिया खुर्द में एक सुनसान जगह खेतों में कुएं के पास 27 वर्षीय आलोक पटेल का की डेड बॉडी मिली है। उनके चेहरे पे बहुत बुरी तरह से गंभीर चोटें थी जिनके कारण प्रथम दृश्य मृत्यु होना पाया जा रहा था। वो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची थी और जितनी विधिक कार्रवाई की वो हमारे द्वारा आरंभ कर दी थी और साथ ही साथ अभियुक्तों की तलाश भी कर दी थी। तो इस केस में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है क्षेत्राधिकारी नगर एवं SHO करवी और उनकी टीम के द्वारा और 24 घंटे के अंदर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। तो इसमें यह सामने आया है कि मृतक का जो सगा भाई है मिथिलेश, जिसकी उम्र 19 से 20 वर्ष है, उसका और मृतक की पत्नी सावित्री का इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके कारण इन्होंने मृतक को रास्ते। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।